खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने एक मरतबा फिर से मुझे अपनी कलीसिया में कलाम सुनाने का मौका दिया। आप सबके दरमियान में एक लंबा अरसे के बाद इकट्ठे होने, मिल बैठने, प्रस्तुति करने, दुआ करने का मौका दिया। मैं खुदा का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ। और आइए आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ सीखेंगे और हमेशा की तरह एक सवाल पुराना होगा और एक सवाल आज नया होगा। तो पुराना सवाल के आज का हवाला, कौन कौन घर से पढ़ करके आया? नंबर पहले से कम हो गया, शायद कोई पूछता नहीं है। या हार्मोन्यूटिक्स के जो हमने सेशंस किए थे उसके अंदर भी हमने बताया था कि खुदा के कलाम को अहमियत देना कितना ही ज्यादा जरूरी है और उसकी स्टडी करना ये कितना ही जरूरी है। और ये सुनने वाले का भी उतना ही फर्ज है और सुनाने वाले का भी उतना ही फर्ज है। और आज का नया सवाल ये है कि पिछले हफ्ते में आपने क्या सीखा था? मैट भाई का सरमन था, जवानों में से कोई जी खुशखबरी के पता ठीक है। और कोई इसी पे था, काबल कफारे पे था और उसको एग्जांपल्स के साथ जो था वो बताया गया था कि कैसे मसीह ने जो हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाए थे और कामिल कफारा कैसे थे। ठीक, पुराने नोट्स ही देख के बताते हैं, शायद कुछ रहनुमाई मिल जाए। डायरिया आपको खास गिफ्ट की गई कि लिखा करें बैठ के, नोट्स बनाए। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ भाइयों बहनों ताकि हम सब मिलकर के सीखें। ये कोई क्लास वाला नहीं, क्लासरूम वाला माहौल मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल चाहत के ऊपर भी है कि आप कितनी अहमियत देते हैं। क्योंकि बहुत मरतबा एक छोटी मिसाल से समझाना चाहूँगा कि मुँह धोने के लिए कभी आप ना ऐसे मुट्ठी में पानी भरें और मुट्ठी फुल भरें, जितनी देर तक वो पानी के नीचे होगी मुट्ठी फुल होगी, जैसे आप मुट्ठी साइड पर करेंगे तो क्या होता है, आप पानी जाता कहाँ पर रहना, तो उसको आपके हाथ में चाहिए। क्या आपका हाथ पानी चूस लेता है या क्या मसला क्या, पानी क्यों नहीं हाथ में रहता? क्यों भाई, ये एक सवाल ये मैं बचपन से सोच रहा हूँ। अक्सर खेलता आधा घंटा मेरा स्कूल से लेट में इसी वजह से हो जाता, ऐसे करके बाहर निकाल के देखना पानी कितनी देर मेरे हाथ में खड़ा रहता है और आखिर में इतना सा पानी रह जाता था। क्या वजह है, पानी मेरा हाथ चूस लेता है, क्या मसला है? हाँ, लीक हो जाता है। बहुत मरतबा हमारा दिमाग भी इसी तरह से है, बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पर सुनते हैं तो वो भरमार होती है लर्निंग की कि यार ये हम सीख रहे हैं, लेकिन बहुत मरतबा हम यहाँ से उठ के जाते हैं दुनियावी मामलात में जाते हैं, वो सब कुछ लीक हो जाता है, बह जाता है, पता नहीं होता कि कहाँ पर है। तो शायद कभी तो फीक हो तो हम अपने पुराने नोट्स खोल के देखें तो हमें याद आए कि हाँ यार ये चीज़ तो हमने सीखी हुई है। तो ये सिर्फ एक इनकरेजमेंट है। ठीक है, आइए हम सब खुदावंद के कलाम की तज़ीम में अपने कदमों पर खड़े हो गए और आज का हवाला हम मिलकर के पढ़ेंगे दूसरा ग्रंथियों उसका छठा बाब और उसकी पहली दो आयात। मैं पढ़ूंगा और आप इसको मेरे पीछे दोहराएंगे। दूसरा ग्रंथियों उसका छठा बाब और उसकी पहली दो आयात। और हम जो उसके साथ काम में शरीक है, ये भी इल्तिमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरी दरख्वास्त है अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। आज हम खुदा का कलाम जिस टॉपिक के अंदर रह करके सीखेंगे वो है बुलाहट की पहचान का होना और दूसरों को मसीह के करीब बुलाना। टॉपिक क्या है जी? मसीह के करीब बुलाना। तो पहली चीज हम जिस पर गौर करेंगे वो है बुलाहट की पहचान। अब बुलाहट की पहचान क्या है? जहां पर बैठे
अगर मैं रैंडम कुछ लोगों से पूछ लूं कि आपकी बुलाहट क्या है, तो चले हम देख भी लेते हैं। जोएल भाई, आपकी बुलाहट क्या है? खुदा का कलाम सुनाना और उसकी तालीम देना। एम्बेसन भाई, आपकी बुलाहट क्या है? खुदा के मुताबिक जिंदगी जीना। और मेडिकल भी आपने किया हुआ है, इसकी ये भी आपकी बुलाहट में कोई मानी रखता है, कोई इंपॉर्टेंस? हाँ, बुलाहट का हिस्सा है कि मतलब उन्होंने अपनी मेडिसिन भी पढ़ी, वो भी बुलाहट का हिस्सा बन गई कि उसके डायरेक्शन में उन्होंने उसकी तरफ मोड़ दी। ठीक है, उसके अलावा जो प्योरली भाई साहब बन रहे हैं, भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब थोड़ी बुलाहट की है, भाई साहब की बुलाहट इवेंजलिज्म की है, औरतों में से पूछते हैं, पता नहीं औरतों को पता भी है कि नहीं उन्होंने बुलाहट की है। तो चले हम पूछ लेते हैं, मगर फिर भी हम पूछते हैं सैरी से, सैरी की बुलाहट क्या है? क्या लगता है कोई बुलाहट? फिजा, खुदा के कलाम को सीखना समझना और दूसरों को पहुंचाना। ठीक है, और मीका की बुलाहट क्या है? ठीक है, ठीक है। अब जब हम देखा हमने मुख्तलिफ तरह की, तो आपकी बुलाहट के अंदर एक जो कॉमन बात सब ने बताई है, खुदा का कलाम सीखना और बताना, सीखना और बताना, और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, मसीह के जैसी जिंदगी गुजारना। ये सारी बातें आपस में इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन बुलाहट की पहचान का, कॉलिंग की पहचान का जिंदगी के अंदर होना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बुलाहट बेसिकली है क्या। अब जरा देखिए कि बुलाहट है क्या। चौकी के ऊपर एक महसूल लेने वाला बैठा है, मसीह यीशु उस चौकी के ऊपर बैठे महसूल लेने वाले लावी, उसका पहला नाम था और बाद में उसका नाम मत्ती हो गया। मसीह उसको कहता है, उठ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। ये बुलाहट, मसीह की बुलाहट। और हमें नजर आता है कि उसी वक्त वो छोड़ता है, उठता है और मसीह के पीछे हो लेता है। फिर हमें नजर आता है एक मछेरा जिसका नाम है पतरस, वो मछलियों का शिकार कर रहा है, यीशु मसीह जाता है और उसको कहता है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे आदमगीर बना दूं, आदमियों का शिकार करने वाला बना दूं। वो छोड़ता है और मसीह के पीछे हो लेता है। अब्राहम को खुदा बुलाता है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। वो अपने नातेदारों, और खुदा ने कहा था तो अपने नातेदारों अपने रिश्तेदारों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। पैदाइश 11वां बाब पढ़ सकते हैं, और वो वहीं पर सब कुछ छोड़ता है और मसीह के पीछे हो लेता है। मूसा को जलती हुई आग की जो झाड़ी है, खुदा उसमें से बुलाता है, आज वो आता है, खुदा उसको कहता है, जिस जगह पे तू खड़ा है इस जगह पाक है, अपने जूते को उतार दे। और फिर खुदा उसको कहता है कि मैं तुझे एक कौम की रिहाई के लिए मैंने तुझे क्या किया है जी, चुना है। वो कहता है मैं जाकर के उनको क्या बताऊंगा? वो कहता है तू उनको बताएगा कि मैं जो हूं सो मैं हूं ने मुझे भेजा। खुदा ने मूसा को बुलाया और मूसा ने अपनी बुलाहट के मुताबिक काम किया, अब्राहम ने अपनी बुलाहट के मुताबिक काम किया। तो बुलाहट की समझ का होना और बुलाहट के मुताबिक काम करना, यह बहुत जरूरी है। जब हम नए अहदनामे में देखते हैं तो नए अहदनामे की बुलाहट एक ही है, अपनी सलीब उठाओ, खुद ही का इनकार करो और मेरे पीछे हो। ये नए अहद की बुलाहट है। लेकिन नए अहद की बुलाहट के अंदर हमें समझने की जरूरत है कुछ चीजों को। तो आइए अब हम पहली आयत के ऊपर जरा गौर करते हैं। क्या लिखा है? कहता है, और हम जो उसके साथ
काम में शरीक है। हम वो किसकी बात कर रहे हैं? पौलुस अपनी, अपने हम खिदमत भाइयों और दीगर ईमानदार भाइयों बहनों की बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र 21वीं आयत के अंदर आया है। 21वीं आयत के अंदर क्या जिक्र आया है? जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। अब जो मसीह यसु में है उसकी रास्तबाजी में शरीक है, वो उसके साथ काम में भी शरीक है। ये ईमानदारों के लिए एक जनरल कॉलिंग है, एक आम बुलाहट है कि तुम मसीह यसु के शरीक हो, उसके काम के भी शरीक हो। और वो काम क्या है? 18वीं आयत पे है। अब हम वो काम देखते हैं कि वो काम क्या है। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की। ये है वो काम जो खुदा ने करने के लिए हमें अपने साथ शरीक किया। लेकिन जो मसीह के साथ, खुदा के साथ शरीक नहीं, वो उसके काम में भी शरीक नहीं। जो खुदा का नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके काम के साथ। ये समझने की बात है, ये अहमियत की बात है। सबसे पहली चीज, अगर आप इस चीज को समझे कि खुदा जो कि जमीन और आसमान, सूरज चांद सितारों सितारों का संभालने वाला खुदा है, उसने मेरे और आपके जैसे गुनाहगार इंसानों को अपने जलाल के लिए, अपनी रास्तबाजी के लिए चुन लिया, अलग कर लिया, अपने साथ उसने मिला लिया। क्या कहीं पर ऐसा इस्तेकाक आपको मिलता है? क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? क्या आप इस बात के वजन को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम खुदा ने मेरे और आपके लिए किया कि हम जो हकदार और लायक नहीं थे, उसने ना सिर्फ अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया बल्कि अपने काम में भी हमें शरीक किया कि मेल मिलाप की खिदमत अब हमें सौंप दी है। वो खिदमत क्या है? कि हम दूसरों को मसीह के करीब लेकर के आए। तो बुलाहट को समझना, टॉपिक हमारा क्या है? बुलाहट को समझना और दूसरों को मसीह के करीब बुलाना। तो बुलाहट की समझ मसीह की सलीब के पहचान के बगैर कभी भी आपको नहीं आएगी कि वो बुलाहट कितनी बड़ी है। मसीह की सलीब की तरफ देखना शुरू करें, वहां पर आपको नजर आएगा कि ये है मेरी बुलाहट। पौलुस क्यों कहता है? वो बुलाहट से वाकिफ था, इसीलिए वो कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जैसे मैं जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं जिसने मुझसे मोहब्बत की। सलीब को बड़े तौर पर देखना शुरू करें। मसीह की सलीब हमारे गुनाहों के कफारे के लिए थी। मसीह की मौत, मसीह का मारा जाना, उसका कुचला जाना, हमारे हिस्से की जहन्नुम को सहना, वो हमारा मेल मिलाप करवाने के लिए थी। कभी अब्रानियों 8, 9, 10 बाब आप पढ़े, आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर वो कैसा बड़ा काम हमारे लिए करके चला गया। हम जो दूर थे, हम जो खुदा के करीब नहीं आ सकते थे। मैं इसकी मिसाल आपको एक मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाना चाहूंगा। फर्ज करें, खुदा की रास्तबाजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शख्स है, एम्बेसन भाई को लगा ले। एम्बेसन भाई अभी मेडिसिन के डॉक्टर नहीं, वो एक सर्जन है, ठीक है। एम्बेसन भाई ऑपरेशन करने वाले हैं एक शख्स का, और एम्बेसन भाई ने स्टर्ल कपड़े जो है वो पहने हुए हैं, पूरे जो बिल्कुल जरासीम से पाक लिबास है वो उन्होंने पहना हुआ है। हाथों के ऊपर जरासीम से पाक जो ग्लव्स हैं वो पहन के वो खड़े हैं। इतने में एक शख्स
मैला कुचाला, पसीने से भरा हुआ, रस्ते में भागता हुआ, कीचड़ में भी कहीं गिरा हुआ, वो आता है और आकर के गले लगाने की कोशिश करता है। क्या ख्याल है बेसर भाई, उसे गले में नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि वो क्या है, कपड़े उसके गंदे हैं, वो गंदा है और वो एक काम करने वाले हैं, ऑपरेशन का काम करने वाले हैं, क्योंकि उस काम के लिए जो वो करने वाले हैं पाक होना जरूरी है। अगर उनके लिबास जरासीम से भरे हुए होंगे तो नुकसान क्या होगा, पेशेंट इंफेक्टेड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह गुनाह की गंदगी के बायस हम खुदा की हजूरी में खड़े नहीं हो सकते थे। खुदा की हजूरी इतनी पाक है कि वो हमें तबाह बर्बाद करके रख सकती है, क्योंकि उसकी पाकीज़गी इतनी बड़ी है कि कोई अपनी गुनाह आलूदा हालत के अंदर पाक खुदा की हजूरी में खड़ा नहीं हो सकता। हमें जरूरत है कि हम अगर हम उस शख्स से मिलना चाहते हैं तो हम भी वैसे ही लिबास पहन ले, वैसे ही हो जाए पाक साफ जैसे कि वो है, ताकि हम उससे मिल सके। अब फर्ज करें इतने में एम्बेसडर भाई कहते हैं जरा दूर खड़े रहो, दूर खड़े रहो। ये मैं एक मिसाल के जरिए से एक बड़ी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एम्बेसडर भाई कहते हैं जल्दी से जाओ, नहाओ, हाथ धो, मुंह धो, कपड़े धो, ये अपने कपड़े उतारो, ये बिल्कुल अभी स्टर्न कपड़े हैं, इनको पहन करके आओ। और पहन करके आने के बाद साफ सुथरे ग्लव्स, स्टर्न ग्लव्स भी पहन के तो आ जाओ। अब क्या ख्याल है, अब दोनों तकरीबन एक जैसे हो गए ना, अब वो मिल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यही बात है कि खुदा के हजूर में हाजिर होने के लिए हमें खुदा की रास्तबाजी की जरूरत है। बगैर खुदा की, बगैर उस रास्तबाजी के हम खुदा की हजूरी में अपनी इस जिस्मानी हालत के साथ अगर चले जाते तो हमारा हाल भी वही होना था जो उस पहाड़ का हुआ था। खुदा ने कहा था 3 दिन तक इस पहाड़ के ऊपर ना तो कोई परिंदा आए, ना ही कोई जानवर आए, इसके गिरदे कहाता कर दो और खुद भी पाक रहो, ना कोई मर्द किसी औरत के पास जाए और अपने आप को पाक रखो। खुदा कहते क्योंकि मैं इस पहाड़ पर से होकर के तुमसे बोलूंगा। और फिर हमें जो नजर आता है खुदा के जलाल का मंजर, कि वो पहाड़ ऊपर से लेकर के नीचे तक जल करके राख हो गया जब खुदा उनसे बात कर रहा था, क्योंकि खुदा की पाकीज़गी इतनी बड़ी है, खुदा की पाकीज़गी के वसीला से ये सब कुछ हुआ। अगर एक इतना बड़ा पहाड़ खुदा की पाकीज़गी के सामने खड़ा नहीं हो सकता तो मैं और आप जैसे गुनाहगार इंसान पाक खुदा की हजूरी में अपनी गंदगी और गुनाह आलूदा हालत के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि उस पाक खुदा ने जिसकी पाकीज़गी के वसीला से वो पहाड़ पूरे का पूरा जल गया था, उस पाक खुदा ने अपने साथ हम जैसे गुनाहगार इंसानों का मेल मिलाप कर लिया। इस बात के वजन को समझिए, इस बात के अंदर खुदा के जलाल को समझिए। हम हकदार नहीं कहें कि खुदा ने अपने फजल के वसीला से हमें चुन लिया, अलग किया, पाक साफ किया, एक गोश्तीन दिल हमें अता किया, नई रूह हमारे बातें में डाली, असरन मुस्तकी रूह उसने हमें अता की, हमारी आंखों को खोल दिया और अपनी रास्तबाजी उसने हमें अता की, ताकि हम उसके साथ उसके जलाल में शरीक हो जाए। और अब हम उसके जलाल में जब शरीक है तो उसके साथ जलाल में शरीक होने के बाद उसके काम में जब तक इस जमीन पर है शरीक है। और वो काम क्या है, दुनिया को जिंदा खुदा की सलीब और सलीब पर किए गए काम को दिखाना कि वो काम क्या है और उसके ऊपर क्या ही जलाली काम है जो हमने देखा। और वो जलाली काम क्या है कि खुदा ने खुद करके दिखाया, इसीलिए तो लिखा है और हम जो उसके साथ, और इससे ऊपर वाली आयत के अंदर लिखा हुआ है ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। हम मसीह की रास्तबाजी में हैं, उसकी रास्तबाजी ने हमें घेरे हुआ है। अगर खुदा की हजूरी में खड़े होने का लाइसेंस हमारे पास है तो वो मसीह की रास्तबाजी है जो हमें घेरे हुए है, और वह सलीब के काम के बगैर हम तक नहीं पहुंच सकती थी। क्या ही बड़ा काम मेरे और आपके लिए हुआ है कि हम खुदा की हजूरी में मसीह की सलीब के पास पहुंच गए सिर्फ ईमान ही के वसीला।
उसके फजल के वसीला से, सिर्फ मसीह यसू के सलीब पर मुकम्मल और काफी कफारे के काम के वसीला से, और सिर्फ उसके जलाल के लिए। अब इस बात को समझिए, हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, तो काम क्या है? खुदा, इस बात को सबसे पहले आप समझिए, काम क्या है? खुदा, सबसे पहले यह चीज समझने की जरूरत है कि खुदा हर काम अपने जलाल के लिए करता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो खुदा अपने जलाल के लिए ना करे। अगर मेरे और आपके जैसे सख्त, घटिया, बदतरीन गुनाहगार को खुदा ने बचाया, तो वो इसलिए बचाया ताकि वो अपने नाम को जलाल देता, कि ये देखो मेरी मोहब्बत की जलाल, मेरी मोहब्बत का जलाल कि वो किस कदर का है, ये देखो मेरी माफी का जलाल, ये देखो मेरी बर्दाश्त। देखे, हम में से कौन था, आप में से कौन था, क्या कोई खुदा के कहरो गजब को सह सकता है? अगर कोई है तो वो मुझे बता सकता है। खुदा ने हमसे तहमुल का सलूक किया, इसीलिए तो हमने आज सुबह गीत गाया, मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह ढांपे गए और जिसकी पति को वो हिसाब में लेकर के नहीं आता। खुदा ने हमें चुन करके अपनी बर्दाश्त, अपनी मोहब्बत, अपना फजल, अपना इंसाफ जो कि मसीह यसू में पूरा होता है वो दिखाया। जब ऐसा काम हमारे लिए हुआ है तो क्या ये सारी बातें काफी नहीं है हमें हमारी जिंदगी के अंदर मसीह के लिए काम करने के लिए? ये सारी बातें इस लायक नहीं है कि हमें हर रोज, हर घड़ी, हर लम्हा, हर सेकंड मजबूर करे कि हम मसीह के लिए जिए? मसला क्या है? मसला ही ये है कि हम इन बातों को भूल जाते हैं। हम मसीह के, हम लगातार मसीह की सलीब की तरफ देखते नहीं है, क्योंकि जिंदगी गुजारने, एक ईमानदार हो जाने के बाद जिंदगी गुजारने की मोटिवेशन सिर्फ मसीह की सलीब की तरफ से आती है, सिर्फ मसीह की सलीब की तरफ से आती है। इसीलिए हवाला निकालें, गलतियों का खत, उसका छठा भाग, गलतियों उसका छठा भाग, और उसकी चौदहवीं आयत। ये एक ईमानदार के अल्फाज है, वो कहता है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फखर करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। जहां पर वो राइटियसनेस की बात कर रहा है कि जो रास्तबाजी है वो हमें खतरे और इन सब चीजों से नहीं मिलती, ना हमारी किसी परफॉर्मेंस की वजह से वो राइटियसनेस मिलती है, वो रास्तबाजी मसीह की सलीब पर किए गए काफी और कामिल काम के वसीला से मिलती है। इसलिए वो कहता है कि खुदा ना करे कि मैं मसीह की सलीब के सिवा किसी और चीज पर फख्र करूं। आप किसी चीज पर भी फख्र नहीं कर सकते हैं, और जिंदगी गुजारने और मसीह के काम के लिए मोटिवेशन जो है वो मसीह की सलीब की तरफ देखने के वसीला से आएगी। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि लगातार, हर रोज, हर घड़ी, हर लम्हा आपकी जिंदगियों के सामने मसीह की सलीब हो, जिसके सामने आपके घुटने झुके हो और आपकी नजरें मसीह के उस काम की तरफ हो कि उसने हमारे लिए क्या किया। हर रोज अपने आप को खुशखबरी याद करवाए, क्योंकि हर रोज हम खुशखबरी को भूल जाते हैं। ये हमारा मसला है, हमें समझने की जरूरत है। तो वो कहता है, और हम जो उसके साथ, किसके साथ? खुदा के साथ। कैसे? खुदा के साथ मसीह यसू की सलीब और सलीब पर किए गए काम के वसीला से, खुदा के साथ जिसके बायस हमारे गुनाह मसीह यसू की सलीब पर और मसीह यसू की रास्तबाजी हम पर सिर्फ ईमानी के वसीला से। तो कहता है, और हम जो उसके साथ, और इस हम के अंदर हर वो शख्स मौजूद है जो उस पर, यानी कि मसीह यसू और खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के उस निजात बख्श काम के ऊपर ईमान रखता है, वो कहता है उसके साथ काम में शरीक है। और काम मैंने आपको बता दिया कौन सा काम है, मेल मिलाप का काम। अब हमारे सपोर्ट सौंप दिया है, क्योंकि खुदा ने पहले अपने साथ अपने फजल के वसीला से हमारा मेल मिलाप कर लिया। अब खुदा ने जो तरीका ठहराया है वो तरीका क्या है? वो तरीका है ओपन,
प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पल। ये है वो तरीका कार जिस काम के लिए खुदा ने हमें चुना। ऑर्डो सैलूटिस किस किस को याद है? ऑर्डो सैलूटिस थियोलॉजी और इंटरप्रिटेशन की क्लास वालों को तो याद होना चाहिए। ऑर्डो सैलूटिस, हमने ऑर्डो सैलूटिस के ऊपर पूरी सर्मन सीरीज की थी आज से तकरीबन 3 साल पहले जब हम सोशल ऑन में बात करते थे। एक एक पॉइंट के ऊपर सीरीज हुई है, याद है किसी को? ऑर्डो सैलूटिस जरा दोहराते हैं। इलेक्शन, खुदा का चुनाव, गॉस्पल कॉल, खुशखबरी की बुलाहट, तीसरा रीजेनरेशन, नई पैदाई, चौथा कन्वर्जन, फेथ एंड रिपेंटेंस, ईमान और तौबा इकट्ठे एक साथ आते, जस्टिफिकेशन, हम खुदा के सामने ईमानी के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाते हैं, एडॉप्शन, हम खुदा के लिए पालक बेटे बेटियां बन जाते हैं, सैंक्टिफिकेशन, खुदा हमें, हम पाक बन जाते हैं और खुदा हमें पाक करता चला जाता है, परसिवेरेंस, खुदा हमें ईमान में कायम रखता है, डेथ, हम मरते हैं और मरने के बाद जिंदा उम्मीद जो हमारी निराश छोड़ी है कि हम खुदा के साथ उसके जलाल में शरीक होंगे, ग्लोरिफिकेशन। तो जब हम इस बात को समझते हैं कि गॉस्पल कॉल, तो खुदा ने खुशखबरी को वो जरिया बना दिया है कि हम, अब वो काम क्या है जिसमें हम शरीक हैं? खुशखबरी की मुनादी। और खुशखबरी की मुनादी आपको पता है कहां से शुरू होती है? खुशखबरी की मुनादी जहां से शुरू होती है कि तुमने उसको मारा। खुशखबरी की मुनादी यहां से शुरू होती है तुम्हारे गुनाहों की वजह से वो सलीब पर था। खुशखबरी की मुनादी में जो उम्मीद है वो ये है कि आज ही निजात का दिन है, और अगर आज ही निजात का दिन नहीं है तो जो ईमान लेकर के नहीं आते तो आज ही मौत और हलाकत का दिन भी है हर उस शख्स के लिए जो मसीह यसु से दूर है, और जो मसीह यसु पर ईमान लेकर के नहीं आता तो उसको आप ये भी बता सकते हैं कि आज ही मौत और हलाकत का दिन है। हम में से कौन है जो जिंदगी को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर सकता है? क्या हम में से कोई हवा को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर सकता है? हम में से कोई शख्स जिंदगी को भी अपनी मुट्ठी के अंदर बंद नहीं कर सकता। तो लिहाजा आज ही यही वक्त, एक सेकंड जाया किए बगैर, यही निजात का दिन और निजात का वक्त है। अगर तो जब आप बुलाहट को पहले समझेंगे, बुलाहट है क्या, तो फिर आप दूसरों को भी मसीह की सलीब के करीब बुलाने वाले होंगे। तो पहले आप खुद तो समझें, खुद क्या है, आप और मैं कहां पर खड़े हैं, आज मेरी और आपकी जिंदगी किस जगह पर है। फिर वो क्या कहता है, उसके काम में शरीक है, ये भी इल्तमास करता हूं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो। इसका मतलब क्या है कि ये फजल हम पर एक मकसद के लिए हुआ है, ये फजल हम पर बेकार बैठने के लिए नहीं हुआ। इमैनुअल भाई के साथ अक्सर मेरी डिस्कशन होती है, इमैनुअल भाई इस चीज के ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ बोलते हैं कि यार भाई मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो कहते हैं कि हम मसीह को जान गए हैं, लेकिन वो कहते हैं बस जी ठीक है, बैठे खाएं पिए याशी करें, और वो सुकून से बैठे रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और वो सोचते नहीं है खुदा के बारे में कुछ करने के लिए, और वो कुछ करते भी नहीं है। और बहुत मरतबा इमैनुअल भाई के साथ डिस्कशन का मेरा जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि हमने कुछ करना है। अगर हमें ईमान दिया है तो खुदा ने किसी ना किसी वजह से दिया है। वो कहते हैं खुदा का फजल जो तुम पर हुआ है बेफायदा ना रहने दो। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि शायद खुदा ने हमें सुकून से बैठने के लिए चुन लिया है। खुदा का खादिम स्टीव लॉसन कहता है कि खुदा ने आपको कुर्सियों के ऊपर आराम से बैठने के लिए निजात नहीं दी है, खुदा ने आपको निजात इसलिए दी है ताकि आप औरों को जो इस जमीन पर अपनी आरामदेह जिंदगियां गुजार रहे हैं उनको उस आराम में से निकाल करके मसीह की अब्दियत की तरफ लेकर के आए और उन्हें बताएं कि ये जिंदगी सिर्फ मसीह के लिए है। हम आज कहां पर खड़े हैं, हम आज क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है,
अब हम पौलुस की जिंदगी से देखते हैं, पौलुस ये बात सिर्फ उन्हें क्या ही नहीं रहा, पौलुस ये बात मसीह यसु के वसीला से भी सीखी। मसीह यसु 3.5 साल जमीनी खिदमत, और हमें नजर आता है कि मसीह यसु लगातार काम कर, लगातार काम कर, लगातार काम कर, जहां पर जा रहा है मसीह यसु ने अपने उस काम को जारी रखा, खिदमत के काम को। और देखें, मुनादी और कलाम सुनाना हमारा काम है। लोगों ने यसु मसीह को भी कह दिया, यसु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर रहे थे, तू मेरे पीछे हो ले। वो कहता नहीं, मैं पहले अपने प्यो को दफन कर रहा। क्या वो मसीह की बुलाहट सुन के मसीह के पीछे आया? अगर यसु मसीह, आप सोचे मैं और आप क्या यसु मसीह से बड़े प्रीचर्स हैं? क्या मैं और आप यसु मसीह से ज्यादा जलाली प्रीचर? मैं कहता हूं उस जलाली खुदा के वाज के जलाल को देखे, जहां पर पहाड़ी वाज वो शुरू करता है, पहाड़ उसका जो है पुलपट है, और वो खुद उस पुलपट पे खड़ा है। और जब वो उस पुलपट पे खड़ा होकर के लोगों को कलाम सुना रहा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, खुद जिंदगी का सर चश्मा खड़ा होकर के उनको ये बातें बता रहा है। उसमें उस वक्त भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने दिल की सख्ती के ऊपर चल रहे हैं। एक जलाली खुदा, जिंदगी का सर चश्मा, जिंदगी जिससे सादिर होती है, जिसने कहा और हो गया, अगर उसकी मुनादी के ऊपर भी लोग ईमान लेकर के नहीं आ रहे, तो मैं और आप कहां पर है? तो फिर क्या मुनादी करना छोड़ दे? तो फिर क्या इस वाली बात को समझे कि ठीक है फजल तो हो गया, चलो आराम ना बह जाने, ईमान तो कोई लेकर के आता नहीं। मैं और आप यीशु मसीह से बड़े प्रीचर हैं, यीशु मसीह का कलाम। मसीह यसु ने क्या कहा? मसीह यसु ने कहा कि अपनी तुझ में अब भी एक बात की कमी है, अपनी दौलत दे और मेरे पीछे। जिंदगी का सरचश्मा खुद उसको बुला रहा है कि आ मेरे पीछे हो ले। उसने किसको पसंद किया? किसको? अपनी दौलत को। उधर लिखा है कि और वो गमजदा होकर के वहां से चला गया। तो मैं और आप यसु से बड़े प्रीचर भाइयों, बुलाहट में फेथफुलनेस का होना बहुत जरूरी है। मसीह यसु की जिंदगी के अंदर हमें नजर आता है। मसीह यसु ने क्या कहा? ऐ मेरे अच्छे और वफादार, तमसील मसीह यसु सुना रहा था, तोड़ों वाली तमसील, ऐ मेरे अच्छे और। तो आपकी बुलाहट के अंदर सबसे पहली चीज पहचान के बाद वफादारी का होना बहुत जरूरी है। और वो वफादारी कैसे होगी? वो वफादारी इससे है, बैठना नहीं है, उसके लिए काम करना है। क्या लिखा है? खुदा का फजल जो तुम पर हुआ है बेफायदा ना रहने दो। पौलुस भी टिक कर नहीं बैठा। पौलुस अगर जेल के अंदर कैद हो गया तो कैद के अंदर बैठ करके भी खत निगारी का काम हो रहा है, खत नवीसी का काम हो रहा है, खत लिख रहा है बैठ करके, इवेंजलिज्म कर रहे अपने खतों के जरिए से, खिदमत है। क्योंकि उसकी जिंदगी का पर्पस अगर किसी चीज के गिर्द घूमता था तो वो खुदा और खुदा की पहचान के गिर्द घूमता था, कि मुझे खुदा ने पहचान दी है और लोग मसीह की पहचान था। तो पौलुस अपने कॉन्टेक्स्ट को भी जेन में रखते हुए वो कहता है कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, काम करो, आगे बढ़ो, काम करो, आगे बढ़ो। पौलुस नौजवान तिमोथियस को क्या कहता है? बुशारत के काम के खातिर मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि जब जब आप काम करेंगे दुख उसका हिस्सा है। दुख भरा रास्ता उस रास्ते, फूलों के उस रास्ते से बेहतर है जो हमें जहन्नुम की तरफ लेकर के जा रहा है, लेकिन दुख वाला रास्ता बेहतरीन है जो हमें अपनी जिंदगी की तरफ लेकर के जा रहा है, बशर्ते कि वो दुख हम मसीह की खातिर से। मसीह के काम में दुख है, मसीह के काम में तकलीफ है, लेकिन क्या हम उस फसल को जो हम पर हुआ है बेफायदा रहने दें? ये एक चैलेंज है जो मैं आपके सामने खड़ा करना चाह रहा हूं, ये चैलेंज है मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं कि मसीह का फसल जो तुम पर हुआ है उसको बेफायदा ना रहने।
उसके लिए काम करो, उठो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं लोग। उठो, क्या आप कभी इस नजर के साथ लोगों को देखते हैं कि आज ही मौत का दिन है और ये बंदा आज ही मौत में चला जा रहा है। वक्त गुजरता नहीं है और वक्त गुजर भी जाता है। जो शख्स मौत में है वो मौत में है, उसके लिए वक्त वहीं पर ही है, क्योंकि उसने अल्टीमेटली क्या है, मौत में है। लेकिन उसके पास निजात का एक ही रास्ता है कि आज ही निजात का दिन है, आज ही तौबा का दिन है। तौबा करो क्योंकि खुदा की बात से नजदीक है। आज कहां पर है वो प्रीचर्स जो खड़े होकर के ये कहने वाले हो, ए सांप के बच्चों तौबा करो क्योंकि आसमान की बात से नजदीक है। तुम मसीह के मारने वाले हो, मसीह तुम्हारी खातिर आया, आज कहां पर है वो लोग? आज इवेंजलिज्म क्या बन चुका है? आज किस किस्म का इवेंजलिज्म हो रहा है? सबसे पहली चीज, आपको रिन्यूअल ऑफ माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये मेरा और आपका काम नहीं है, आपका रिन्यूअल ऑफ माइंड कलाम के वसीला से होगा। जब कलाम आपके जहन के अंदर रच बस जाए, सराइयत कर जाए, तो आप सोचेंगे कलाम के मुताबिक, आप काम करेंगे तो कलाम के मुताबिक। वरना गीत तो हम गा लेते हैं, मेरी सोच में भी खुदा रहे, मेरे बोलने में भी खुदा रहे, मेरे दिल में भी खुदा रहे, मेरे सर में सिर्फ खुदा बसे, ये फिर सिर्फ बातें रह जाएंगी। कितने हैं जिनमें से बहुतों की जिंदगियों की ये सच्चाई? क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं? ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। मसीही लोग, भाइयों और बहनों, खुदा का फजल जो तुम पर हुआ है उसको बेफायदा ना रहने दो। पौलुस, और इसके पीछे एक लफ्ज आया है, वो कहता है, और हम जो उसके साथ काम में शरीक है ये भी इल्तमास करते हैं। इल्तमास के लिए जो लफ्ज आया है वो आया है अर्ज, और यूनानी जुबान में जो लफ्ज आया है वो एक ऐसी दरख्वास्त करना कि एक बंदा उसके ऊपर ना कर ही ना सके, ऐसी शिद्दत के साथ इल्तमास करना। और शायद हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो ऐसी शिद्दत कि अगला बंदा यार मेरी गल ना ना करे, कि ऐसे कहने पैर ही पै जाओ, अगला बंदा ना करे। आज मैं आप लोगों के पांव पड़ता हूं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ है उसको बेफायदा ना रहने दो। ऐसी इल्तमास मुकद्दस पौलुस उनसे कर रहा है जो ईमानदार है। आज वही इल्तमास खुदा के कलाम के मुताबिक हमारे लिए भी है कि खुदा का जो फजल हम पर हुआ है उसको हमने बेफायदा नहीं रहने देना। काम करना है यार, काम करना है। आप सुबह उठते हैं तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या होती है? आप अपने आप को जवाब देंगे, दे सकते हैं। सुबह उठते ही आपके जहन में जो पहली बात आती है वो क्या होती है? ये सबके लिए सवाल है। आपके जहन में अच्छी बात है नाश्ते, क्योंकि मसीह की बातें तो बहुत दूर दूर की बात है। मसीह की बात उस जहन में होगी जो रात को ये सोच के सोएगा कि अगर मैं अभी मर भी गया सोते सोते तो मैं मसीह के साथ हूँ। उठ गया तो मुझे कहता है, खुदाया तेरा शुक्र हो, तूने एक और दिन दे दिया ताकि तेरे जलाल के लिए जी। मसीह के लिए जीना जिंदगी के इन छोटे मकासद के लिए जीने से बहुत बेहतर। हम जिंदगी इन छोटे छोटे मकसदों के अंदर जीते हैं और ये जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन मसीह के लिए जीना एक बड़ा मकसद है। और ये मर्दों और औरतों का काम है मसीह के लिए जीना। मसीह के लिए जीने के लिए मर्द होना चाहिए और औरत होना चाहिए। जब मैं मर्द और औरत कह रहा हूँ तो आप कहेंगे हाँ जी मर्द तो ऐसी है नहीं है, औरत भी ऐसी है नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मर्द एक मजबूती की निशानी है, औरत और मर्द एक मेच्योरिटी की निशानी है। लड़के लड़की वाली सोच के साथ आप मसीह के लिए, फिर वो यही होगा, आज मैं यसुदा तो कल थोड़ी जे हंसी मजाक भी कर रहा,
तो 2-3 दिन मैं यीशु का नहीं, ये शुगल का दिन है, ये चुगलियों का दिन है, ये गीबत का दिन है। बाइबल कहते हैं ये निजात का दिन है, हम कहते हैं नहीं जी दे, ये लड़के लड़कियों की सोच होती है ना, ये गीबत करने का दिन है, ये चापलूसियां करने का दिन है, ये लड़ने का दिन है। मसीह के लिए जो होते हैं उनका जहन मसीहत और मसीह को लेकर के इतना सेंसिटिव होता है कि वो यही सोचते हैं कि मैं मसीह के लिए क्या कर सकता। पौलुस ऐसी नहीं कहता, मैं मसीह के साथ मसलूब हूं, फिर वो कहता है कि दुनिया मेरे एतबार से मसलूब होगी है, मैं मसीह की सलीब के सिवा किसी और चीज पर फख्र ना करूं। पौलुस रसूल फिर क्या कहता है, उसकी जिंदगी के मकसद को जरा देखिए। ये आयात मेरी बड़ी फेवरेट आयात है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, गलतियों का खाता जरा निकालिए फिर से। पौलुस का इंट्रो भी देखे क्या है, 17वीं आयत, 6 बाब की 17वीं आयत, गलतियों उसका 6 बाब उसकी 17वीं आयत। कहता है पीछे वो कहता है कि मैं मसीह के सलीब के सिवा किसी और चीज पर फखर नहीं करता। कहता है ये जो बातें तुम मुझ पर कर रहे हो ना, इन बातों के लिए मुझे आयदा के लिए तकलीफ ना देना, क्योंकि मेरा फखर मसीह है। और इंट्रोडक्शन अपना वो क्या देता है, आखिरी इख्तितामी इंट्रोडक्शन, कहता है आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए रहता हूं। आमीन। हम में से कौन है जो यीशु के दाग अपने जिस्म और अपने बदन पर लिए हुए फिरता है, जो कहता है कि मैं मसीह का हूं, मसीह मेरा है, और कोई मुझको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मेरी पहचान मसीह है जिसको मैंने पहन लिया, जिसकी रास्तबाजी ने मुझे घेर लिया है। मसीह मेरे लिए सब कुछ, क्योंकि जिसके लिए मसीह सब कुछ नहीं है वो पोटेंशियली इस स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल करता है कि वो खुदा के फजल को बेफायदा रहने देगा। लेकिन जो जिसका जहन, जिसकी जिंदगी, जिसकी आंखों के सामने हर वक्त मसीह और उसकी सलीब है, वो सुकून से नहीं बैठेगा। मसीह खुद कहता है मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं। मसीह कहता है कि मेरे नाम की खातिर बाप बेटे का, सास बहू की, क्योंकि जो उसके होंगे वो उसके पीछे चलेंगे और दूसरे लोग उसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या खुदा का हुक्म आपके लिए बड़ा है, या वो हुक्म जो दूसरे आपको खुदा के लिए काम करने से रोक रहे हैं? ये एक सवाल है। खुदा का हुक्म अगर बड़ा है तो फिर आपकी जिंदगी से उस चीज का असर भी नजर आना चाहिए कि हाँ खुदा माने रखता है और खुदा की बात मानी रखती है, खुदा का कलाम मेरी जिंदगी के लिए सब चीजों से बढ़ कर गया है। कौन कौन है जो बाइबल रेगुलर पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं है? अब आदमी चले, कौन कौन नहीं है जो बाइबल रेगुलर नहीं पढ़ रहा, वो भी हाथ खड़ा। सब पता है मुझे। अब ये आदमियों से डरना, हम आदमियों के डर से, ओहो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, लोग क्या कहेंगे, ओए बाइबल नहीं पढ़ता। इस वक्त में भी आप खुदा से नहीं डर रहे, मत हाथ खड़ा करें। मैं सिर्फ एक चैलेंज के तौर पर आपको बात कर रहा, मत हाथ खड़ा करें, क्योंकि खुदा का डर आज भी आपकी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता। जिसकी जिंदगी में खुदा का डर और खौफ होगा, उसकी जिंदगी में उतनी ज्यादा मोहब्बत खुदा के लिए होगी, क्योंकि खुदा का खौफ वैसा खौफ नहीं है जैसा खौफ हमें तलवार के नीचे रहने से होता है। खुदा का खौफ मोहब्बत का एहसास है, जिसमें हम खुदा की मोहब्बत को तजर्बा करते हैं, जिसमें हम खुदा को बतौर बाप भी देखते हैं और उसकी मोहब्बत के तजर्बे को भी हम देखते हैं, और वो सलीब के सिवा हम किसी और जगह पर नहीं देख सकते। वो क्यों कहता है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है? यहां पर लोग की बाइबल भी पढ़ते टाइम टाइम, तो इवेंजलिज्म और बुलाहट के लिए दूसरों को करीब लाने की बातें करते हैं। फिर इवेंजलिज्म नहीं जी, मैं तो इवेंजलिज्म करता ग्राउंड में खड़ा हो गया थी, और जी मैं फलाने के राज यीशु की गल कर रहा सर। बाइबल बाइबल पढ़ते जी? नहीं बाइबल नहीं हम पढ़ते जी। और जी इवेंजलिज्म करने, खिदमत करनी है जी, खिदमत बड़ा बड़ा खुदा है, बोझ एक थोड़ा खुदा ने मेरे देश है। बाइबल पढ़ सॉरी भाई बाइबल
मसीह और उसकी जात से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप उसको हल्का लेते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं आप इस आयत के ऑपोजिट काम तो नहीं कर रहे, जैसे वो कहता है कि इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, क्योंकि आप उस फजल में आगे बढ़ने के लिए जो बुनियादी चीजें हैं वही नहीं कर रहे हैं। बुनियादी चीजें क्या है? अपने जहन को मसीह और सलीब पर किए गए काम से भरना, इस बात का याद करवाना कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था मेरी खातिर गुनाह बन गया ताकि मैं उसमें होकर के खुदा की रासबाजी हो जाऊं। जब तक आप ये बातों से अपने जहन को नहीं भरेंगे तो आपके अंदर काम करने की, मसीह के लिए काम करने की कोई मोटिवेशन नहीं आएगी। हाँ जी, मसीह के लिए पढ़ सकते हैं, और जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पेपर देंगे मसीह के लिए, पेपर भी देंगे मसीह के लिए, हाँ जी बूटियां भी लावांगे, पर्पस नहीं है ना जिंदगी के अंदर, मकसद नहीं है, कभी सोचा नहीं है कि मैं खुदा के लिए कैसे काम कर सकता। छह महीने में एक दफा एवेंजेलिज्म कर लिया, चार पांच जिले बांट रहे, बड़ा काम हो गया, बड़ा काम हो गया, तालियां तालियां सारे मिलकर तालियां बजाएंगे, केक खिलाएंगे, गिफ्ट गिफ्ट मिलेंगे। जब जिंदगी के अंदर मसीह से जुड़े छोटी छोटी चीजों में आप खुदा के साथ वफादार नहीं है ना, तो बड़ी चीजों में आप खुदा के साथ वफादार कम चांसेस है कि आप वफादार होंगे। फिर वो क्या कहते हैं, अब पिछली आयत के साथ वो उसको लिंक करता है, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की, देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। अब यहाँ पर जो कबूलियत का वक्त है वो मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर इशारा कर रहा है। हमें नज़र आता है कि जब उड़ने वाले सांपों ने बनी इसराइलियों को डसा तो मूसा ने क्या की, दुआ की कि खुदा इन लोगों को बचा ले। खुदा ने कहा कि बलि के ऊपर एक सांप लटका दे, जो सांप का डसा उस बलि पे लटके सांप को देखेगा वो बच जाएगा। हमें नजर आता है कि वो फिजिकली उस वक्त की तकलीफ से बच गए, लेकिन मसीह की सलीब की तरफ देखने के वसीला से हम अबदी मौत से बच जाते हैं, गुनाह का बीमार अबदी मौत से बच जाता है, और निजात का दरवाजा अब खुल चुका है। अब हर एक एक सेकंड कबूलियत का वक्त है, एक एक सेकंड जो आपका गुजर रहा है यही वक्त निजात का वक्त, यही टाइम निजात का है। आप में से अगर कोई मसीह से दूर है तो उसको सोचने की जरूरत है। शायद यहां पर बैठो में से बहुत से लोग मसीह से दूर होंगे, शायद यहां पर बैठे हुए बहुत से लोग मसीह को नहीं जानते होंगे। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आपको आपके पास क्या गारंटी है कि अगले सेकंड में आप जिंदा रहेंगे या नहीं। अक्सर मैं मिसाल देता हूं, फिर से देता हूं, जिंदगी क्या है, जिस्मानी जिंदगी की बात, अगला सांस आए तो जिंदगी, अगला सांस ना आए तो मौत। अबदी जिंदगी और अबदी मौत क्या है? मसीह यीशु पर ईमान ले आए अगला सांस आने से पहले और अपने गुनाह का इकरार किया और तौबा की और अपनी जिंदगी मसीह के जलाल से गुजारने का सोचा तो अबदी जिंदगी, क्योंकि ईमान ही के वसीला से निजात है। और अगर बगैर ईमान के हम मर गए, अबदी मौत, अबदी मौत क्या है, जहां पर खुदा का कैरो गजब हमेशा से लेकर के हमेशा के लिए। एक हवाला मैं आपके साथ मिलकर के पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी 15वीं है, का 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत मैं पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा। अब ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज भी है, आप लोगों के लिए क्या है वो, क्या कह रहे हैं, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए।
गौर से, ये किसका काम है? इवेंजलिज्म हर बिलीवर का काम है कि वो देखे कि कोई खुदा की फजल से महरूम ना रह जाए। डीएल मूडी की मिसाल मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा। डीएल मूडी के पास एक इंटरव्यूअर आया उसका इंटरव्यू करने के लिए, और उसे कहता है कि क्या वजह है कि आप इतने मशहूर प्रीचर हैं, लोग आपके कलाम को सुनना पसंद करते हैं और आपको इतनी मकबूलियत मिली है। वो कहता है तू मेरी मकबूलियत की वजह जानना चाहता है? तो कहता है आ मैं तुझे दिखाऊं अपनी मकबूलियत। कहते हैं इससे पहले मैं तुझे वजह दिखाऊं, जिस दरवाजे से तू एंटर हुआ है उस दरवाजे पे जा और एक छोटी शीशे की खिड़की बनी है, उस खिड़की के बाहर जरा जाकर के देख तुझे क्या नजर आता है। जब वो जाता है और वो देखता है, वो कहता है मुझे नजर आया है कि सड़क है, सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं और फुटपाथ के ऊपर लोग चल रहे हैं और क्या कहते हैं रेडियो वाले ने अपनी रेडियां लगाई हुई हैं। वो उसको आकर के बताता है, कहते हैं एक मरतबा फिर जा और दोबारा जाकर के देख के तुझे क्या नजर आता है। वो एक मरतबा फिर जाता है और दोबारा जाकर के देख कर कहता है, उसको कहता है मुझे वही चीज नजर आई है, गाड़ियां चल रही हैं सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर लोग चल रहे हैं, सड़क के ऊपर लोगों ने अपने ठेले लगाए हुए। कहता है मेरे साथ आप, मैं तुझे दिखाता हूँ। जब वो जाता है कहता है कि सड़क के ऊपर जो लोग चल रहे हैं और जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, मुझे इन तमाम लोगों में वो लोग नजर आते हैं कि ये लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं और शायद ये इनकी जिंदगी का आखिरी मौका और आखिरी वक्त होगा। तो कहते हैं लिहाजा जब भी मैं पुलपट के ऊपर जाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि हर शख्स आज ही मसीह की बड़ी मांग ले। गौर से देखते रहो कि कहीं कोई खुदा के फजल से महरूम ना हो जाए। इवेंजलिज्म हम वफादारी में करते हैं, किस बात की वफादारी में? खुदा की वफादारी। खुदा ने हम पर फजल किया, अब उसने ये काम हमारे सपोर्ट किया है कि गॉस्पल की प्रोक्लेमेशन है। गॉस्पल की प्रोक्लेमेशन का काम अब आपके जिम्मे। यशवा भाई ने कहा कि इवेंजलिज्म मेरी जो है बुलाहट है। हम में से हर शख्स की इवेंजलिज्म, अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि इवेंजलिज्म के लिए कोई खास गिफ्टिंग होती है, कोई खास तोड़े होते हैं। नहीं, इवेंजलिज्म ओबीडियंस है, इवेंजलिज्म ताबेदारी है। किस चीज की ताबेदारी है? इरशाद आज़म की ताबेदारी है। इवेंजलिज्म हर बिलीवर के ऊपर, हर ईमानदार के ऊपर फर्ज है कि वो लोगों को मसीह के करीब लेकर के आए, लोगों को मसीह के बारे में बताए कि आज ही निजात का दिन है, यही वक्त निजात का वक्त है, यही टाइम निजात का टाइम है, वरना बगैर मसीह के हम क्या हो जाएंगे। आखिर में हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहली चीज, आप हर रोज क्या अपने आप को ये बात याद दिलाते हैं कि आपके ऊपर खुदा का फजल है? ये पहला सवाल, और प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करना है इस चीज को। क्या आप हर रोज अपने आप को ये बात याद करवाते हैं कि आपके ऊपर खुदा का फजल है? दूसरी बात, क्या आप हर रोज अपने आप को ये बात याद दिलाते हैं कि खुदा का ये फजल जो मुझ पर हुआ है ये एक बड़े मकसद के लिए हुआ है और वही मकसद मेरी बुलाहट है? फिर रिपीट करें, क्या आप हर रोज अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि ये फजल मुझ पर जो हुआ है ये एक मकसद के लिए हुआ है और वही मकसद, जिस मकसद के लिए फजल हुआ है वही मेरी बुलाहट है? ये आप सबके लिए। तीसरी चीज, क्या आप हर रोज अपनी खुदी का इनकार कर रहे हैं? क्या आप हर रोज अपनी स्लीप उठा रहे हैं? क्या आप हर रोज अपनी खुदी का इनकार कर रहे हैं? क्या आप हर रोज अपनी स्लीप उठा रहे हैं? क्या आप हर रोज बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या आप हर रोज दुआ कर रहे हैं? और आखिर में, क्या आप अपने घरानों के अंदर वो लोग जो मसीह से दूर है और गैर निजात याफ्ता है उनको मसीह की खुशखबरी बताने के लिए जुस्तजू जाफिशानी दुआ कर रहे हैं या नहीं? मुझे बताएं, आप ऐसे कितने हैं जो अपने खानदानों के अंदर इवेंजलिज्म करते हैं, अपनी फैमिलीज के अंदर इवेंजलिज्म करते हैं?
आप में से कितने हैं जो अपनी कलीसिया के अंदर वो लोग जो मसीही वॉक के अंदर कमजोर है, मसीही वॉक पे पढ़ने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, या वो जो कलीसिया में आते तो हैं एज एन अटेंडर, उनको निजात के लिए बता रहे हैं? फिर आप में से कितने हैं जो पूरी दुनिया को वो लोग जो मसीह के बगैर है इस नजर से देखते हैं कि बगैर मसीह के मर जाए? और आखिर में मैं आपको यही बताना चाहूंगा, ये मेरा फरमान नहीं है, ये खुदा का फरमान है, इसको मेरे पीछे पढ़िए ताकि आप हर रोज इन बातों को याद रखें, क्योंकि वो फरमाता है। पढ़े, वो फरमाता है। कौन फरमाता है? वो, कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन। ये कौन फरमाता है? और अगर ये निजात का दिन है, हमारा टॉपिक क्या था? बुलाहट को पहचानना और लोगों को मसीह के करीब बुलाना। तो वो फरमाता है कि यही निजात का दिन। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उसके अल्फाज है जिसने मुझे और आपको अपने फजल के वसीला से चुना। और अगर वो फरमाता है तो आखिरी सबसे बड़ा सवाल, वो फरमाता है तो उसकी बात मेरे और आपके लिए कितनी अहमियत रखती है कि उसने फरमाया है कि यही निजात का दिन है और उसके फरमान को पूरा करने के लिए हम कितनी जाफिशानी मेहनत और कोशिश करते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें, आइए सब अपने कदमों पर खड़े होकर हम दुआ करें। पवित्र जलाली कदूस हशमत से भरे खुदा, जब आप फरमाते हैं कि यही निजात का दिन है खुदावन, तो इस बात को खुदावन हम समझने वाले ना हो बल्कि इसके मुताबिक अमल करने वाले भी हो खुदा, और आपकी बात को अहमियत देने वाले हो कि उसने फरमाया है ये बात, उसने फरमाई है ये बात, उसने ये कहा है, और ये बात जिंदगी से भी बढ़ करके है क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। खुदावन आपकी बुलाहट को हम समझते हुए खुदावन खुदा और बहुतों को मसीह के करीब लाए और उनके सामने यही पुकारने वाले हो कि यही निजात का दिन है, और अगर वो ईमान लेकर के नहीं आएंगे तो वो मसीह के बगैर मर जाएंगे। खुदावंद मदद कीजिए, फजल कीजिए कि आपके जलाल के लिए जीना हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा मकसद हो। खुदावंद जहां पर बैठी एक एक शख्स को, एक एक जान को, एक एक भाई की मदद कीजिए कि वो आपके जलाल के लिए जीने को अहमियत दे खुदावंद खुदा, और हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ आपके कलाम के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक और आपके जलाल के लिए हो, और हमारी नजरें ईमान के बाने और कामिल करने वाले यीशु को तकती रहे, हमारी नजरें मसीह की सलीब के ऊपर लगी रहे, हमारी नजरें मसीह की सलीब की तरफ लगी रहने की वजह से इस जिंदगी को गुजारने की मोटिवेशन मिलने वाली हो। खुदा मैं इस कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि इस कलीसिया के अंदर आप अपने फजल के वसीला से एक रिवाइवल को लेकर के आइए कि एक एक शख्स मसीह यीशु और उसके हुक्म और उसकी बात को लेकर के सीरियस हो जाए खुदावर, और ये पूरे का पूरी कलीसिया खुदा खुदा एक बड़े तौर पर आपके जलाल के लिए काम करने के लिए खुदा खुदा तैयार हो। खुदा मैं दुआ करता हूँ कि घरानों के अंदर रिवाइवल और तब्दीली आने वाली हो खुदा खुदा, और मैं दुआ करता हूँ कि आज हमें हमारे गुनाह के ऊपर तोड़िए खुदा खुदा, जिन जिन जगहों पर हम आपके कलाम और आपकी मर्जी और आपकी बात को पूरा करने के अंदर कमजोर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए कि हम आपके जलाल के लिए जिए, आपके नाम को मुबारक है और आप ही के नाम की खातिर आगे बढ़ते चले जाए। हमारे साथ रहिए, हम शर्मिंदा ना हो खुदा, आखिर में हम आपके हंसते हुए चेहरा को देखें खुदा खुदा, और खुदावंद इस बात के एहसास में जिंदगी गुजारें कि जब हम आखिर में होंगे तो वो हमारा नाम लेकर के हमें पुकारेगा और कहेगा कि ऐ मेरे अच्छे और वफादार लोग। फजल कीजिए कि हम उस बुलाहट के साथ जिसके लिए आपने हमें बुलाया वफादार हैं, और जलाल इज्जत बुजुर्गी हशमत पढ़ाई जो कि आपके आपके नाम को मिले, हम घटे आप पढ़े आपका नाम, इज्जत आपके नाम जलाल पाए। ये दुआ मांग लेते हैं मसीह यीशु के अजीम कादर मुद्दे और बाबरकत नाम में।